RapidX English speaking course में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हिरा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माय इंग्लिश विद हिरा। सो आज हम करने वाले हैं डे थ्री। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब हमारे इमोशंस बहुत सारी तरह के होते हैं। हम कभी खुश होते हैं, कभी हैरान होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं। तो इन सब एक्सप्रेशंस को हम छोटे छोटे या दो तीन शब्दों में कैसे कह सकते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आई है, मार्वलस, वाह। अगर कोई काम बहुत अच्छा किया है, वेल डन, वेल डन। बहुत कोई चीज हमें अच्छी लग रही है तो ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। और अगर हमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लग रही है तो हम ब्यूटिफुल। अगर कोई चीज हो गई है तो अरे ये क्या हो गया, हे। अब हे जो है, अगर कोई उदास है उसको हम थोड़ा पुचकारने के लिए भी हे बोल सकते हैं, हे डोंट क्राई। और अगर कोई हमें बहुत दिन बाद मिला है, हे हाउ आर यू, ठीक है। अगर कोई चीज बहुत पसंद आ रही है, वाओ, वाओ, वाह, ओह माय गॉड। कुछ बुरा हो जाता है तो ओह गॉड, माय गॉड, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, वंडरफुल। जब हमें किसी बात का कोई शक ना हो, ऑफ कोर्स, क्या आज हम पिकनिक जा रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग, राइट, बेशक। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, थैंक गॉड यू आर सेफ। ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, सेम टू यू, सेम टू यू। जैसे आपको कोई बोलता है हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, एक्सलेंट। अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, इस आपके जब इमोशंस निकलते हैं तो आपके इमोशंस आपके वर्ड्स से पता चलने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं आपने बोल दिया एक्सेलेंट, हाउ सैड, सेम टू यू, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। यू शुड शो सम काइंड ऑफ इमोशन। आपको कुछ इमोशन अपने आवाज़ से भी सुनाना है ना। सो एक्सेलेंट, हाउ सैड, बहुत दुख का समाचार, हाउ सैड। बड़ी खुशी का समाचार है, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। गुड को हम थोड़ा स्ट्रेस करेंगे, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। प्रभु मेरे आश्चर्य में, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस। सुनिए, हेलो, लिसन, लिसन। फटाफट करिए, हरी अप, हरी अप प्लीज, हरी अप। कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। बड़ी फजूल बात है, हाउ अब्सर्ड, हाउ अब्सर्ड। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। क्या खूब, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। हाउ लवली, कितना सुंदर, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट। सो यू कैन, आप सुन सकते हो कि मेरी वॉइस में थोड़ा एंगर है, थोड़ा गुस्सा है, हाउ डेयर यू से दैट। प्यारे, ओ डियर, ओ डियर। जल्दी चलो, हरी अप, हरी अप, वॉक फास्ट। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। हाँ हाँ ऐसा ही, यस इट इज, यस इट इज। सच मच, रियली, रियली, ओ माय गॉड, सच, इज इट, इज इट। धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू। भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। ये दिन बार बार आए,
मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ज्यादातर जब हम बर्थडे विश करते हैं तो हम ये बोलते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे आई हैव वन, हुर्रे वी हैव वन द मैच। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रैजिक, हाउ ट्रैजिक। कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अचानक से आपकी मम्मी आपके सामने आ जाती हैं और आप हॉस्टल में रह रहे हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपको कोई बहुत दिन के बाद दोस्त मिला है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आश्चर्यजनक, वंडरफुल, वंडरफुल। छी छी, कुछ चीज बहुत गंदी लगी है, हाउ डिस्कस्टिंग। खबरदार, बिवेयर, बिवेयर। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। कितना बढ़िया आइडिया आया है, कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम मैम। आपके स्वागत के लिए चीयर्स, चीयर्स। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। सावधानी से, जरा संभल कर, वॉच आउट, वॉच आउट। कहीं नजर ना लगे, टच वर्ड, टच वर्ड। आप चाहे जो हो, कम व्हाट मे, कम व्हाट मे। याद रखें, जब भी आप कोई एक्सक्लेमेटरी यानी कि कोई भाव वाचक बात बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, उसके आगे आप एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगाइए, विच इज विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक लाइन और नीचे एक छोटा सा डॉट, रियली विस्मयादि बोधक से, वंडरफुल एक्सक्लेमेटरी साइन। और जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट अ शेम। What वैसे एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जब हम एज भाव यूज करते हैं, एज एन इमोशन यूज करते हैं, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। और याद रखिए, बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य या दुख या खुशी या गुस्सा, ऐसे भावों का स्वर होना चाहिए, तभी वो बातें एक्सक्लेमेटरी लगेंगी, नहीं तो नहीं। आपको कौन सा विस्मयादि बोधक, कौन सा एक्सक्लेमेटरी फ्रेज आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे डे 4 के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, बाय।